सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में निवेदन करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम यो मे भक्त्या प्रयाक्षिति। भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे पत्र पुष्प फल चाहिए और मुझे कुछ नहीं, इसके साथ यो मे भक्त्या मुझे भक्ति चाहिए। सुदामा, जो मेरी भाभी ने भेजा है आप मुझे। जैसे ही सज्जनों सुदामा जी छुपाने लगे, छुपाते छुपाते सुदामा की ओर परमात्मा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा के जो पोटली को छीना है, श्री हरि के हाथ में जो पोटली आई, एक बिलाइंत वस्त्र 100 जगह से फटा है। इस सुदामा के घर में एक बिलाइंत वस्त्र भी नहीं है और मेरा मित्र है। मेरा मित्र और एक बिलाइंत वस्त्र साबुत नहीं। जैसे ही खोला है और जैसे ही महाराज उसको गोंठ को खोला और खोलते खोलते सुदामा जी देखते देखते भगवान कृष्ण एक मुट्ठी भरी है। एक मुट्ठी भर के अनेन कृतेना पुण्येना अवधूतेन भिक्षुणा, मैं इस एक मुट्ठी के चावल के बदले पूरी ब्रह्मांड का जो सुख मिलता है वो सुख मैं सुदामा नाम के ब्राह्मण को दे रहा हूं। दूसरी मुट्ठी फिर भर के महाराज जो चावल अंदर डाला, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, संपूर्ण सृष्टि का सुख तो दे दिया, क्या मुझे भी दोगे क्या? अरे इस भिक्षु को मुझे भी देना है, ये अंदर अंदर कह रही है। बाहर तो कह रही है चावल कच्चे हैं मत खाओ, पेट दर्द करेगा, लेकिन अंदर कह रही है मैं बची हूं, मुझे भी दोगे इस भिक्षु को, ब्राह्मण को? क्या दिया भगवान ने क्या नहीं दिया किसी को पता ही नहीं चला, किसी को पता नहीं चला। आज भगवान श्री कृष्ण सुदामा निवेदन करके कहते हैं, प्रभु आपकी इच्छा हो अब मैं प्रस्थान करूं। लेकिन भगवान ने एक मिनट नहीं कहा तुम रुको, जो धोती में आए थे उसी धोती में प्रस्थान कर रहे हैं। लेकिन सुदामा धन्यवाद कर रहे हैं भगवान को, क्वाहम दरिद्र पापिया। सुदामा अब कह रहे अपने आप को दरिद्र, किसी और ने नहीं कहा, भागवत में सुदामा अब कह रहे हैं, क्वाहम दरिद्र पापिया क्वा कृष्ण श्री निकेतना ब्रह्म बंधुर्तिस्माहम बहुभ्या परिस्मितः। कहा मैं दरिद्र हूं, कहा मैं पापी हूं, कहा मैं संसार का बालक हूं और कहा श्री निकेत भगवान विष्णु जो मुझे अपनी गद्दी पे बिठाया। वारे श्री कृष्ण, वारे मेरे प्रभु, धन्य हो। सुदामा ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे को कुछ नहीं दिया। आजकल हमारे जैसे आपके जैसा कोई सेठ के घर में भी जाता ना और सीधा लौट के आ जाता तो यही कहते हैं लो करो बा, तो क्या भगवान मिलेंगे? अपने आप को फिर ब्राह्मण और बोलते हैं। राम राम राम। विचार करो, सुदामा ने कहा श्री निकेतना, कहा श्री लक्ष्मी के पति और मैं कहा दरिद्र हूं जो मुझ दरिद्र को अपने गद्दी पे बिठाया। जीवन धन्य है। सज्जनों मन मन विचार किया, अब सुदामा जी जैसे अपने लौट के अपने नगरी में आए हैं, सुदामा जी आए आके देखा भाई ये कौन सी नगरी है, इस नगरी को क्या नाम है? दुनिया के लोगों ने कहा ये तो कोई सुदामा नगरी है। सुदामा ने कहा सुदामा नगरी? मन में विचार किया, टेढ़ी टांग वाले ने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। फिर मन में सोचा अच्छा वो कोई बहुत बड़ा सेठ होगा, सुदामा नाम का कोई सेठ है, मैं चला गया उसको जगह अच्छी लगी होगी, सेठ जी ने अपना सुंदर ये भवन बना लिया। भैया वो सेठ जी किधर है, जरा एक बार मिलना चाहता हूँ। दुनिया के लोगों ने कहा वो सेठ बेट नहीं है, कौन है? बोलो तो ब्राह्मण है। सुदामा ने सोचा ब्राह्मण तो मैं ही हूँ और मेरी होनी नगरी, ये तो बिल्कुल ठीक बात नहीं है, बिल्कुल गलत है।
मेरी नगरी नहीं। हाँ, ब्राह्मणों में भी कोई पैसे वाले होते हैं, शायद उन्होंने अपनी नगरी बसाई। भैया वो ब्राह्मण किधर है, जरा लेके आओ, मैं मिलना चाहता हूँ। बोले वो ब्राह्मण नहीं मिलेंगे, अभी द्वारका गए हुए हैं। ओहो, अब तो पता चला ये तो मैं ही हूं। यदि मैं हूं तो मेरी सुशीला ब्राह्मणी किधर है? या तो हती मेरी ब्राह्मणी सुशीला, दासो ही दास खड़े। अरे भाई, मैं हूं तो मेरी पत्नी अंदर है। भैया इधर आओ, आपकी महारानी से निवेदन करो जाके कि एक बार को विपन्न ब्राह्मण द्वार पे आया हुआ है, आपसे मिलना चाहता है। अब महाराज जो द्वारपाल दौड़ते दौड़ते सुशीला जी से निवेदन किया, महारानी जी कोई विपन्न ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है। झरोके से देखा सुशीला ने, ये तो मेरी प्राण आधार है, ये तो मेरे परम दिव्य पतिदेव है। जैसे ही सज्जनों सोने का थाल सजाया है और सोने का थाल सजा के आरती के लिए द्वार पे आती है, अब हो आ गया। अब सुशीला जी भगवान की कृपा से ठीक ठाक हो गई थी। जब ये आता है ना, ये आने के बाद ये भी ले आता है, ये जरूर ये लाता है, और ये आने के बाद में ये न आए तो समझ लो भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान की। सुशीला जी दौड़ती दौड़ती आके चरणों में वंदन किया, देवी ये और ये सब क्या है? बोले आपको चाहिए था दर्शन और मेरे को चाहिए था वैभव, इसलिए भगवान ने कृपा करी है। मन में विचार किया, मैंने तो धोती भी चेंज नहीं करी और तुमको इतना कुछ दे दिया, अब हमारे राम तो नहीं रहेंगे। बोल क्यों, अब हमारे राम रहने वाले नहीं है? देवी हीरे की चटनी बनाओ, सोने की रोटी बनाओ। हीरे की चटनी सोने की रोटी बना के तुम इस भवन में रहो, हमारे राम तो प्रस्थान करते हैं। जैसे ही सुदामा निकलने लगे, पीछे से आवाज आई टेढ़ी टांग वाले की, सुदामा रुको रुको रुको, ये तो गोविंद की आवाज है, गोपाल क्या बात है, ये और ये सब क्या है? बोले जीव जब मेरा आश्रय लेके धन का उपभोग करता है, उसके मन में फिर अभिमान नहीं आता है। प्रभु गीता जी में लिखा है, देवी हे सा गुणमही मम माया दुरत्तया, माया को पार पाना प्रभु बड़ी कठिन है। लेकिन परमात्मा कहते हैं, जब सर्वधर्म परित्याजय मामेकम शरणम प्रदा, तब तू मेरी शरण में आ जाता है तो मैं तुझे अभय देता हूं, माया से पार पा लेता है बंदा। सुदामा जी को परमात्मा ने बड़ी भारी कृपा करी है। जो कोई सुदामा चरित्र सुनता है उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती है। जो व्यक्ति धन वैभव बढ़ाना यदि चाहता है, उसको घर में श्री सुदामा जी की कथा अवश्य करवानी चाहिए।